Good morning, students. Third standard students, how are you all? I hope you all are fine. Okay. अभी हमारी 8 units complete हो गई हैं. Now we'll start today unit 9. Unit 9 में first chapter है Don't Tell. Don't Tell. ये जो poem है, ये एक ऐसे बच्चे ने अपने बारे में बताया है कि मतलब मेरे parents मुझे अभी तक बहुत छोटा समझते हैं, पर मैं छोटा नहीं हूँ. मैं छोटा नहीं हूँ, मैं अंदर से अभी बहुत बड़ा हो गया हूँ. वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है. बट एक्चुअली बच्चा छोटा ही है, जैसे आप लोग हो, अभी तक आप लोग छोटे ही हो, बट फिर भी आपके पेरेंट्स आपको ना करते हैं ना कि ये मत करो, वो मत करो बेटा, चोट लग जाएगी, ये मत करो, है ना. लेकिन आपको क्या लगता है कि अरे ये ऐसे क्यों बोलते हैं हमको, तो हम बड़े हो गए हैं. बट नो, जो काम आपको करने चाहिए वही करने चाहिए एज पर योर एज. ओके, तो ये जो पोएम है, इस पोएम में भी एक ऐसा ही बच्चा है ना. चलो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. ऑल देयर आर सम थिंग्स दैट ग्रोन अप्स डोंट लेट यू डू. रीड अबाउट व्हाट द चाइल्ड फील्स. ये चाइल्ड जो है वो अंदर से कैसा महसूस करता है जब उसके उसको रोक टोक की जाती है. तो ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग एनफ यट, दे से. वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे का कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, बट मैं अब बड़ा हो गया हूँ, वो ये क्यों नहीं समझते हैं. दे से, सो आई ब्लैंकली वेट टिल आई एम ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल. और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत पेशेंस के साथ बड़ा हो रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ उनको समझाने की और अपने आप को समझाने की कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन जैसे मैं बड़ा होऊँगा फिर मैं सारे काम करूँगा. ओके, वन डे आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गेव मी द चांस. और एक दिन मैं उनको दिखाऊंगा, मतलब अपने पेरेंट्स को और जो अपने एल्डर्स हैं उनको दिखाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ अगर मुझे चांस मिला तो. देयर आर थिंग्स आई कुड डू, मैं कर सकता हूँ इफ़ आई ट्राई. और अगर मैं ट्राई करूँ, अगर मुझे चांस मिला तो भी, और अगर मैंने ट्राई किया तो भी, मैं कर सकता हूँ, मैं एक दिन उनको दिखा दूँगा. बट नोबडी नोज, पर कोई भी ये बात क्यों नहीं समझता. Nobody knows that I am really a giant inside. पर कोई भी मेरी बात क्यों नहीं समझता कि मैं अंदर से बड़ा हूँ. भले मैं बाहर से दिखने में छोटा हूँ पर मैं अंदर से बहुत बड़ा हो गया हूँ, है ना. Really a giant inside. Giant मतलब बड़ा, giant मतलब अभी मैं बहुत big हो गया हूँ. तो ये लोग समझते ही नहीं है मेरी बात. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. हमें अपनी एज पर एज के ही हिसाब से वो काम करना चाहिए, है ना. जैसे कि आप छोटे हो, आप तो थर्ड स्टैंडर्ड में हो, आप छोटे बच्चे हो, तो मम्मी कहेगी कि नो, डोंट टच दीज प्लग्स विद वेट हैंड्स. नीले हाथों से आपको स्विचेस को नहीं छूना चाहिए, आग से नहीं खेलना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे हो, है ना. पर बच्चे ये बात नहीं समझते हैं, है ना. तो इस पोएम में भी आप जैसे आप लोग सोचते हो कि नहीं अभी तो हम बड़े हो गए हैं, तो सेम थिंग इज देयर, है ना. आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि कुछ चीज़ें जब हम बड़े होते हैं तभी हमको करना चाहिए, उससे पहले हमको नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर.